हेलो एवरीवन। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द बैंक रेट। ओके, सो बैंक रेट में होता क्या है कि अगर मान लो आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा। इससे होगा क्या, कमर्शियल बैंक्स जितने भी है वो जब भी आरबीआई से लोन लेंगे तो उनको महंगी रेट पर मिलेगा, बढ़ी हुई रेट पर मिलेगा, तो वो पब्लिक को भी बढ़ी हुई रेट पर लोन देंगे। इन दैट केस पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द लोन, और जब लोग लोन लेने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। इन द सेम वे अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत कम है और उसको ज़्यादा करना है, तो इन दैट सेंस वो क्या करेंगे, रिवर्स जो अपनी रेपो रेट है उस रेपो रेट को क्या करेंगे, रेपो रेट को कम कर देंगे। और कम करेंगे तो कमर्शियल बैंक को जो लोन मिलेगा वो क्या मिलेगा, चीपर रेट पे मिलेगा। और जैसे चीपर रेट पे मिलेगा तो कमर्शियल बैंक भी उनके कस्टमर्स को चीपर रेट पे देंगे, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने के लिए क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, और लिक्विडिटी मार्केट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर, अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। व्हाट आर द ओपन मार्केट ऑपरेशंस? जनरली ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं उनमें क्या होता है, सिक्योरिटीज़ को बाई एंड सेल किया जाता है। जो मार्केट में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज करती है। ओके, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे दिस इज़ द फंक्शन। सो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट मीन्स आरबीआई वी आर टॉकिंग। ओके, आरबीआई क्या करेगी, अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगी, वो अपनी जो सिक्योरिटीज़ है वो सिक्योरिटीज़ मार्केट में इशू कर देगी। और मार्केट में जब इशू करेंगे, तो जब इशू करेंगे तो लोग क्या करेंगे, उन सिक्योरिटीज़ को बाय करेंगे। और सिक्योरिटीज़ को लोग बाय क्यों करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज़ पे लोगों को अपने पैसे पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और जब ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो लोग सिक्योरिटीज़ बाय करेंगे। तो आरबीआई ने जैसे सिक्योरिटीज़ इशू की मार्केट में, लोगों ने परचेज की। अब जब लोगों ने परचेज की तो क्या किया, पैसा दिया, और उस पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, पैसे को निकाल के अपने पास स्टॉक में रख लेता है, उसको वापस मार्केट में नहीं डालता है। तो इससे क्या हो गया, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई को लग रहा था बहुत ज़्यादा पैसा था। इसलिए इन द सेम वे इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत कम है और इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, इसके लिए वो मार्केट में क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटीज़ जो उन्होंने पहले लोगों को दे रखे थे उसको क्या करेंगे, वापस से वो बाय कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि वापस से पैसा लोगों के पास आ जाएगा। और लोगों के पास जब आरबीआई वापस अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेगा, और जब अपनी सिक्योरिटीज़ को ले लेगा तो लोगों को वापस पैसा देगा, उनका पैसा उनको रिटर्न करेगा, और उनका पैसा जब उनको रिटर्न किया जाएगा विथ इंटरेस्ट, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा लिक्विडिटी आ जाएगी। अनदर जो है हमारा नेक्स्ट इज वेरिंग रिजर्व रेशो। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से सुना इसको। रिजर्व रेशो जो हमने पहले भी बात कर लिया, LRR, लीगल रिजर्व रेशो, LRR जिसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो, और ये जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है CRR और एक होता है SLR, CRR एंड SLR। हियर यू कैन सी CRR इज़ बेसिकली व्हाट, CRR एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको हर कमर्शियल बैंक्स को वो पर्टिकुलर अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट रखना पड़ता है। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का 4%, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का अप्रोक्स बता रहा हूँ, अप्रोक्स है ना, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का 4% अप्रोक्स। अभी COVID-19 के टाइम पे उन्होंने उसको CRR की रेट को भी घटा दिया है ना, ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहे। तो CRR जो 4% है वो अपने को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास और कमर्शियल बैंक्स को क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करवाना पड़ता है। और एक और अमाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं SLR। ओके, व्हाट इज़ SLR? हियर यू कैन सी, यू कैन सी SLR जो होता है वो 20% होता है, सॉरी 16% होता है। वो 16% में इंक्लूडिंग क्या क्या रहता है, उसके अंदर आपके गोल्ड हो गया है, उसके अलावा कैश का अमाउंट हो गया है, ये सारी सिक्योरिटीज़ बॉन्ड हो गए, ये सब मिला के बैंक्स क्या करता है 16% अमाउंट अपने पास रखेगा। दोनों मिलाएंगे अगर CRR प्लस SLR, तो दोनों मिला के कितना हो गया 20%। और ये 20% बैंक जो क्या करेगी, अपने पास रखेगी, बैंक कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा, उसमें से 4% रिजर्व बैंक को दे देगा, और बचा हुआ 80% का वो क्या करते हैं, मार्केट में लोन दे देते हैं। अब इसका मेन पॉइंट आप यहाँ समझिए कि इसका क्रेडिट क्रिएशन से क्या मतलब है, इसका लिक्विडिटी से क्या मतलब है। इसका लिक्विडिटी से मतलब बेसिकली ये है, द बेसिक मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी इज़ दैट कि व्हेन आरबीआई को ऐसा जब लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है और उस पैसे को कम करना है,
मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, उस पैसे को कम करना है तो वो क्या करेंगे, LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशो, CRR एंड SLR को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और जब बढ़ा देंगे तो 20% की जगह अब कमर्शियल बैंक्स को 25% पैसा अलग से रखना पड़ेगा और सिर्फ वो 75% ही लोन दे पाएंगे। और इन द सेम वे अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत कम है तो वो लीगल रिजर्व रेशियो की रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे 20% से भी, और कम कर देंगे 15%। तो अब पहले 80% पैसा ही लोन में जाता था, अभी 85% पैसा लोन में बाहर हम लोग कस्टमर्स को दे पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो इसके बाद जो टॉपिक आता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स, तो ये हम लोग अगले पार्ट में, इसी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।